आज की इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हम बात करें कि वो कौन से पासपोर्ट्स हैं जो कि आप बड़ी आसानी से और एक अच्छे मुनासिब बजट में हासिल कर सकते हैं अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अपने बिजनेसिस के लिए तो अगर हम बात करें सबसे पहले करिबियन पासपोर्ट्स की करीबियन पासपोर्ट्स में आप कंट्रीज़ देख सकते हैं जैसे सेंट लूशिया है ग्रेनाडा है सेंट कीट्स है डोमिनिका है ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका मोबिलिटी स्कोर 130 से लेके 140 के बीच में आता है विच मीन्स के आप वीज़ा फ़्री एक्सेस कर सकते हैं उन तमाम कंट्रीज़ को जो इस लिस्ट में आती हैं और वो नंबर 130 से 140 का है एंड इट्स अमेजिंग कि आप 130 से 140 कंट्रीज़ को वीज़ा फ़्री एक्सेस कर सकते हैं और ना सिर्फ आप उसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आप वहाँ के सिटीज़न बनेंगे आपके पास पासपोर्ट होगा आप चाहें तो अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ मूव कर सकते हैं आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं आप अपने बिजनेसिस को कर सकते हैं पर ना सिर्फ ये अगर हम स्पेसिफिकली ग्रेनेडा की बात करते हैं द कंट्री ग्रेनेडा ग्रेनेडा की यूएस के साथ ट्रीटी है तो अगर कोई ग्रेनेडा के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसके बाद वो यूएस के लिए भी अपने वेंचर्स खोल सकता है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकता है अगर आप अपने बिजनेस को यूएस में एक्सपैंड करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप ग्रेनेडियन पासपोर्ट पर जाएं और उसके बाद आप इन्वेस्टर वीज़ा के थ्रू यूएस मूव कर सकते हैं अगर हम बात करें प्राइसेस की तो मैं कहूंगा कि करिबियन पासपोर्ट्स आर वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शनशिप ऑफ मूविंग एंड गेटिंग अ सिटीजनशिप अन अदर कंट्री क्यों क्योंकि अगर हम रफली एस्टिमेट करें तो तकरीबन एक लाख यूएस एस डॉलर से हमारी प्राइस स्टार्ट होती हैं करिबियन पासपोर्ट्स की ओब्वियसली इसमें एक गवर्नमेंट फी है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं और ये वेरी करती है डिपेंड करती है कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं अगर वो एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्राइसेस उसके अकॉर्डिंगली ऊपर जा सकती हैं बट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन हंड्रेड थाउजेंड यू डॉलर साथ ही साथ अगर मैं बात करता चाहूँ पोर्चुगल की माउंटेग्रो की ये वो कंट्रीज हैं जिनके सिटीजनशिप प्रोग्राम्स भी एग्जिस्ट करते हैं बट यू हैव टू गो थ्रू गोल्डन वीजा प्रोग्राम फर्स्ट सबसे पहले आपको एक वीजा हासिल करना पड़ेगा फिर कुछ अर्से के लिए वहाँ रहना पड़ेगा फिर उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी एंड देन यू गो टूवर्ड्स दासपोर्ट तो अगर कोई चाहता है कि उसको फॉरन एक पासपोर्ट मिल जाए ताकि उसको एक मोबिलिटी स्कोर अच्छा मिल जाए वीजा फ्री एक्सेस मिल जाए अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकता है बिजनेस के लिए ट्रैवल कर सकता है बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है दिस इज वाई वी प्रिफर कि हम करिबियन ऑप्शन पे जाएं क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि जो करिबियन पासपोर्ट है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है पासपोर्ट आने में दैट इज नाइन्टी डेज हो सकता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो स्ट्रॉन्ग हो तो नाइन्टी डेज से पहले भी आपको पासपोर्ट मिल जाए सो यू कैन इमेजिन कि ये कितना क्विक प्रोसेस है और न सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली भी सो इफ यू वॉन्ट टू ट्रैवल फ्रीली इफ यू वॉन्ट टू एक्सपैंड योर बिज़नेसेस, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव इन अदर कंट्रीज इफ़ यू वॉन्ट टू रीलोकेट सो दीज आर दी ऑप्शन दैट यू कैन कंसिडर और ये वो ऑप्शन हैं जो कि हर बंदा इजिली अफोर्ड भी कर सकता है क्योंकि जो प्राइसिस हैं दे आर वेरी अफोर्डेबल मैंने जैसे पहले भी बताया मैं दोबारा बताता चलूँ कि एक लाख डॉलर से हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी गवर्नमेंट फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है एंड इट ऑल वेरीज के आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं एंड वी हैव अनदर ऑप्शन जो कि रियल इस्टेट के ऑप्शन भी है सो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू ऑप्ट रियल इस्टेट इन दिस कंट्रीज और उसकी बेसिस पे अगर पासपोर्ट लेना चाहें तो वो भी एक ऑप्शन है So, if you want to travel freely, you want to get access to all these countries, if you want to relocate with your family, or you want to give a good future to your families, to your children, or you want to expand your business, you have these options. We are here to assist you. You can contact us on the given numbers, and I will see you in the next video. Thank you.